आज ये दिखा रहा हूँ भाई, मैं आया था यहाँ पे, चीजें चल रही, ठीक है। आज मैं पूरा व्लॉग अब डालूंगा, ठीक है। दिन में तो कॉपीराइट का चक्कर था यार, मैं आया हूँ प्रगति मैदान पे, आज एग्जीबिशन चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये बंदों की ऐड कर देता हूँ फ्री में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सूट वेस्ट करते हैं बंदे, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बन गई इधर इधर, तुम क्या बना रहे, बन गया भाई, ये बन गया भाई, ठीक है। तुम कंपनी के लिए खुशी हो रहे, किसी की खुशी है, क्लोजिंग हुई तब खुश हो रहे हो, कंपनी की खुशी है, कंपनी की, कंपनी, चलो ठीक है, ब्रांड के लिए खुश है, कंपनी के ब्रांड है। अच्छा ब्रांड के लिए खुश हो, मतलब कि अभी छुट्टी हुई इसलिए, मतलब क्या कर रहे हो, मैं फाउंडर हूं जी, मैं खुश रहूंगा। अच्छा मतलब कि साथ में आपकी टीम है, मजा आ रहा है, मतलब कंपनी क्या नाम है तुम्हारी का यार, चलो भाई देखियो, ठीक है, करियो फॉलो, फॉलो जो देखें देखें देखें, चलो इनका बंदा फाउंडर जो बनाने वाला होता ना वही साथ में था, आज डाल देते हैं भाई वीडियो अभी, तो अभी फोटो शूट चल रहा है उधर, इधर ये हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली सभी का बनाता हूँ आज का ना, एक वो कौन सा जी माला है वो भी है, और ये चीज़ चल रही है यहाँ पे, आज मैं विजिट करा दूँ यहाँ पे, आया था ना भाई मैं, आंट के पूरा ब्लॉग बना दूँ तकड़ा, जैसे फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, ये देखो इधर। अब यहाँ पे क्या है कि अब बंदे वो कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहा था शो इनका, दिखा रहा मैं, ये था शायद मेरे हिसाब से, फोटो शूट वगैरह वगैरह कर रहे हैं बंदे, ठीक है। तो जो भी आएगा मेरा पूरा पूरा दिमाग में दिखाऊंगा भाई यहाँ पे, ठीक है, ना मैंने किसी पैसा लिया ना बात, और इधर का, और आप देखो इधर चल रहा कुछ ना कुछ, मैं माइक को इधर इसको डाल लेता हूँ, इधर वो देख रहे हो आप, इधर कुछ खाने पीने का चल रहा है इनका, इधर वो है, आज मैं यहाँ का पूरा व्यू कर देता हूँ। और भाई कैसे हो भाई, बढ़िया, मज़ा आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, ये लो भाई, ठीक है, ऐसे ब्लॉग बनते हैं और मज़ा आता रहता है, मिलते रहते हैं। भाई की बॉडी अच्छी थी इसकी, पर्सनैलिटी, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई ये देख लो पूरा पूरा नज़ारा यहाँ का, आज मैं शूट करके डाल दूँगा पूरा। तो माइक यूज़ कर रहा हूँ, एक मेरे पास है, ये सेटअप मतलब क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे, सारा सेटअप पार्ट रहे बंदे, ये यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ चल रहती रहती है यहाँ पे, भीड़ भड़कता हो रहा है यहाँ पे, इनकी आज है ना भाई, मैं जो ये लगा था एग्जीबिशन, जो भी मतलब कि कंपटीशन था, सभी का वो डाल देता हूँ यहाँ पे, कुछ और हो रहा है अच्छा यहाँ पे, और हाँ तो अभी वीडियो सेल्फी सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे बंदे, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। या हाय मैम, आई एम ब्लॉगर, कैसे हैं, हाउ आर यू, हाय आई एम गुड थैंक यू, हाउ इंडिया, कैसा लगा आपको ये, चलो सॉरी यू नो हिंदी, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब कैसा लगा आज, नो 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा, हाउ टू डे फील, यू हैप्पी एंड वेरी गुड, वेरी गुड, या या वेरी गुड, एंड वेरी नाइस, यू नो यप, दिस इज वेरी नाइस, या या इंग्लिश इज इन फॉर, सो इट इज वेरी वेरी गुड दैट आई विजिट इट, ओके, यू विजिट एट द फ्लोर गोइंग, या आई एम ब्लॉग विद यू, शूट यू, वॉक विद मी, ओके ओके ओके। तो फाइनली ये कि मेरे को काफी, यू वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, वेयर आर यू लिविंग, इन इंडिया, या राइट नाउ हाउ मच टाइम यू स्टे एंड कैमरा ऑन, सॉरी सॉरी आई नीड टू गो, ओके 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 ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय। तो इधर भाई ये फोटो शूट हो रहा है भाइयों का, ठीक है, ये फोटो शूट कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो ये वीडियो में डाल दूंगा यहाँ पे, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ चल रही है। अभी मेरे पास फोन आ रहा है दूसरा,
है कि भाई वीडियो शूट कर रहा हूँ। हाँ तो फाइनली ये था कि फ़ोन आते रहते हैं। मैं कहाँ पे था यार, हाँ तो इसलिए मेरे को मैंने बना लिया वीडियो वहाँ पे भी। अब मैं पूरा यहाँ पे घूम ही रहा हूँ, ठीक है। अरे हाँ कॉम्पिटिशन वहाँ पे था, मेरा कॉपीराइट आएगा भाई, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, उधर चल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, उधर मैं नहीं जाऊँगा। मेरा ब्लॉग मैं पूरा ख़राब नहीं करूँगा भाई, सही है ना भाई, क्यों बेकार में मेरी वीडियो ख़राब करनी मैंने। तो इधर घूमते रहेंगे, अच्छा खासा बन जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा। तो उधर ज़्यादा दम दम हो रही है। तो अच्छा लग रहा है शायद। हेलो मैम, हाय, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, कैसा लगा आप लोगों को ये? बढ़िया। अभी मतलब कि आपका पैसा आपने कमाया या गवाया, क्या करके आए आप यहाँ पे? हम लोग एज एन इन्फ्लुएंसर आए हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब कि सोशल मीडिया टाइप के, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? मतलब ब्रांड्स के यहाँ पे बूथ लगता है तो वो इनवाइट करते हैं एज अ फेसेस। अच्छा ओके, ठीक है। आपने उनको पैसा मिलता है आपको? हाँ, अच्छा खासा मिलता है। हाँ, मतलब डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल एंड फेस वैल्यू। ओके, इंस्टा से या फिर वैसे मतलब कि देखा जाता है कि आपने क्या किया? आपको ब्रांड से मिलता है। अच्छा, ब्रांड नहीं, जैसे कि आप फॉलोअर्स से? हाँ, इंस्टा से कनेक्ट होता है, हम वीडियोस डालते हैं जो भी वीडियोस। आपकी इंस्टा आईडी है कोई? वो तो होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं इसके शिवानी लिप्स विद लिप्स फिट विद री, तो मैं कैसे ऐड करूं उसमें? ठीक है, एक मिनट रुको, मैं इंस्टा खोलता हूं। आप मेरा इंस्टा आईडी लो आप, ठीक है, ये या फिर मेरे को एक कोई कांटेक्ट दो आप, ठीक है? नहीं, एक्चुअली मैं तो मेरा करता रहता हूँ काम, ठीक है, दूसरे पास नहीं जाता। आर आई के आई रिकी रिकी शर्मा 2880 आर आई के आई, ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है रिकी शर्मा। कौन को? अच्छा, कार ब्रांड के एथलीट है ये। हाँ, ये मेरा, ठीक है। अच्छा, बस इसे फॉलो या करो ना करो, ठीक है, लेकिन मेरे को हायर कर देना, ठीक है ना। मैं देखता हूँ आपके लिए कुछ होगा तो आप मेरे को बताना, मेरे लिए कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ओके ओके ब्रो, ठीक है, मजे लो भाई। ये इन लोगों को आती इंग्लिश, मुझे नहीं आती, इन्होंने बोला। अरे वाह, ओ भाई क्या बात है, अब की बार आया असली लुक में यार, ठीक है, काफी मजा आया सच में। जो आप काम करते हैं ना वो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं वैसे कर रहा हूँ, मजा आया यार कसम से। चलो ठीक है, सर मैम चीज का बनाते हैं, मैं इंटरव्यू भी करता हूँ, ब्लॉग भी बनाता हूँ, सब कुछ का। जैसे आप मिल गए आपका? अच्छा, मतलब कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक रहता है? माइक पकड़ो आप। अच्छा, जैसे कि आप सेलिब्रिटी होते तो आपका इंटरव्यू लेने लग जाता, ठीक है? मैं सेलिब्रिटी हूँ। आप स्टार हैं? मैं स्टार हूँ, क्योंकि मैं तीन बच्चों की माँ हूँ एंड आई एम एथलीट, नेशनल लेवल एथलीट। ओके, और मेरा एक विजन है, मैंने एक मुहिम चलाई है कि मैं एक माँ को माँ जैसा नहीं दिखना चाहती कि वो थकी हुई हारी हुई। आप आ जाओ अपने के लिए ना, इधर आ जाओ, कॉफी वहाँ रखा है क्या? चलो चलो उधर आ, उधर बात करते हैं। एक्चुअली क्या कि मैम का कॉफ़ी वहाँ पे रखा हुआ, तो ये अच्छा इधर है कॉफ़ी आपका, और चलो आपके साथ हम बैठ के बात करते हैं। हाँ जी मैम जी, ये हाँ एक्चुअली क्या कि आप तीन बच्चों की मम्मी हैं, और क्या करते हैं आप? मैं एक नेशनल एथलीट हूँ। वाह वेरी ग्रेट यार, ठीक है। और एजुकेशन में मैंने MBA किया हुआ है, बट एक बच्चे की माँ होने के बाद मैं अपने एजुकेशन वाला जो फील्ड था उसको मैं नहीं कर पाई। अच्छा। क्योंकि एक माँ 9 to 5 वाली जॉब तो नहीं कर सकती है। अब क्योंकि एजुकेशन में मैंने MBA किया हुआ है HR फाइनेंस से, और उसके बाद जब शादी और बच्चा हो जाता है और आप जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए सब कुछ बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और बस आपका ड्रीम क्या था? मेरा ड्रीम ये था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे। okay. और उन्होंने हमेशा हमें सेहतमंद रहने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जागरूक किया। और शायद पता नहीं था, बस एजुकेशन की थी और MBA कर लिया था। बट हाँ, जब मैं इस फिटनेस की फील्ड में आई तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ अच्छा और नया कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने आप को बदला, और एक अच्छे जिम में जब मैं जाती थी तब वहाँ पर मुझे किसी ने टोका जब मैंने अपना वेट कम किया एक बच्चे के बाद, तो उन्होंने
उन्होंने मुझे टोका, एक्सक्यूज मी आपकी शादी हो गई है? तो मैंने उनसे बोला कि हाँ हो गई है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप किसी को बताना मत, आप लगते नहीं हो. अभी राइट नाउ मैं 65 की हूँ, बट जब मैं 55 केजी की हो गई थी, मैं केजी वेट की बात कर रही हूँ, एक बच्चे के बाद मेरा 85 केजी वेट था. तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में मैं और ज्यादा मोटी हो गई. मेरे को थायराइड और पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे ठीक करना चाहिए अपने आप को. तो 2 साल बाद मैंने शुरू किया अपनी जर्नी, और मैं उसी जिम की बात बता रही हूँ. तो जब मेरा 55 केजी वेट हो गया, तो उन्होंने मुझे ऐसे टोका और मुझे बोला कि आप किसी को बताना मत कि आप की शादी हो गई है. तो पता नहीं क्यों अंदर से मेरे मन में आया कि क्यों एक लेडी की इमेज ये है कि अगर वो माँ है तो वो हारी हुई, थकी हुई, टूटी हुई, या वो बुरी दिखनी चाहिए. तभी से मेरे मन में वो एक विजन आ गया कि मुझे एक माँ के ना इमेज को बदलना है अपने इंडिया में. कोई भी माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत हारी हुई है, थकी हुई है, या वो बीमार है, या वो मजबूर है कि मैं माँ हूँ तो मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि माँ ही वो शक्ति है जिसने इस पूरी सृष्टि को पैदा किया है. और ये मैंने कोविड के दौरान थोड़ा ज्यादा जाना, जब थोड़ी सी अपने लोगों ने बहुत कुछ सीखा. हाँ जी, हाँ जी, कोविड ने एक्चुअली मैंने सीखा भी और मेरे पापा को गंवाया भी. तभी से मैंने ये कसम खाई कि मैं अपने जैसी और जितनी भी औरतें हैं या जेंट्स भी हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, तो उनको मैं जागरूक करूंगी कि आप अगर 24 घंटे में से 1 घंटा देते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं. मैंने अपना थायराइड, अपना पीसीओडी बदला है. मेरे को बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे कि शायद मुझे और बच्चे भी नहीं होने थे, बट कोविड के दौरान मेरे को एक सेकेंड बेबी हुआ, उसके बाद फिर थर्ड बेबी हुआ 2021 में. क्या और उसी दौरान मैंने अभी कितने बेबी आपके? अभी मेरे 3 बच्चे हैं. ये काम भी अच्छा कर रहे हैं आप ना. हाँ जी, 3 बच्चे कर लिया ना. हाँ जी, अब नहीं लगते आप 3 बच्चों. मेरी जो बड़ी बेटी है वो 11 साल की है, और सबसे छोटा वाला बेटा जो है वो 3.5 साल का है. क्या बात. और उसके होने से ही मैंने अपनी शक्ति को पहचाना. जब मैं तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, तब मैंने तब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी. अच्छा. और लोगों को बताना शुरू करा. लोगों को इतना अच्छा लगा वो सब कि मैं जुड़ती, लोग मुझसे जुड़ते चले गए. अभी अराउंड 500 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं. अच्छा. और मैं बता नहीं सकती उनके एक्सपीरियंस कितने अच्छे हैं, वो मुझसे कितने अच्छे से मिलते हैं. और कितने सारे, मतलब जो भी अगर लेडी भी आती हैं, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ. पीछे हो जाओ. राइट राइट. मैं आ जाता हूँ इधर. तो ये होते हैं रैंडमली इंटरव्यू पॉडकास्ट. हाँ, रैंडम ये पॉडकास्ट होगा. एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहली बार है मुझे बिल्कुल एक पर्सन मिले. ठीक है. और सच कह रहा मैं कि ये नहीं कि प्री प्लान है, फिक्स ऐसा कुछ नहीं है. ये मुझे ऐसे ही मिल गए एकदम. ठीक है. ऑटोमेटिक मैं वीडियो बना रहा था तो उसके दौरान ये मेरे को मिले. एक्चुअली मैं ऐसी चीज़ों की सर्चिंग में हूँ, तो शायद मुझे आप मिल गए. और मुझे मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लगा. आप मेरे को अपना इंस्टा आईडी, मैं फिट मॉम शिवानी के नाम से इंस्टा आईडी है मेरा. ओके. क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, मेरा विजन है कि मैं माओं की इमेज को चेंज करना चाहती हूँ. आप मेरे इंस्टा पे हाई करो पहले एक बार. ठीक है. मैं आपके साथ में. आप दिल्ली से? दिल्ली से? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली गाजियाबाद एनसीआर. ओके ओके. तो दिल्ली मेरा अप डाउन, दिल्ली में रहता हूँ मैं वैसे. इंस्टा खोलना. ठीक है. तो मेरा कि मैं रियलिटी शो भी करता हूँ और वीडियोज बनाता रहता हूँ. मैं सभी तरह कंटेंट बनाता रहता हूँ. ठीक है. ठीक है. फैमिली को वाला भी, बकवास भी, सब सब करता रहता हूँ मैं. अच्छा, बकवास में क्या? हाँ, बकवास कुछ भी करता रहता हूँ. मैं किसी बकवास आदमी से बात नहीं. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कुछ कंटेंट आपका क्या रहता है? वीडियोज तुम्हारा, अच्छे बंदों की वीडियोज है मेरे साथ. जैसा पर्सनैलिटी होती है ना, मैं उसी के साथ वैसे बात करता हूँ. ठीक है. तो जैसे आप अच्छे से बात कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा. जो दूसरे वैसे करते हैं तो उनके साथ वैसा होगा. हर इंसान के साथ ऐसे. मैं नेट नहीं चालू. हाँ, इस समय नहीं. आप मुझे ना अपनी खोलकर फोटो भेज दीजिए, तो मैं उससे फिर शेयर कर दूँ. और नंबर शेयर कर लेते हैं तो हम व्हाट्सएप पे लिंक भेज देंगे. 8800. इसमें मत बोलना. ठीक है, वरना यहाँ पे बहुत कॉल आ जाएंगे. तो फाइनली ये कि रैंडमली मेरे को मिले. ठीक है. मैं इनके साथ वीडियोज करूँगा. आप अपना नाम सेव कर देना. आप चाहे एप्पल नहीं है ना शायद आपको चलाना जाता है. इट्स ओके. तो मैं ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन चलाता रहता हूँ. ये ना मैं डायरेक्ट ऐसे ही डालूंगा पूरे का पूरा. नहीं, मैं इसको एडिट करूंगा, क्योंकि जो रियल होता ना वो रियल होता है. एडिटिंग में ऐसे वैसे होता रहता है.
ओके ओके, मेरे जिम का नाम है। अरे वाह क्या बात है, स्वेट नेशन। मैं घंटी मारता हूँ आपको, ठीक है ना? क्योंकि ना बाद में पता रहेगा कि कौन है कौन नहीं। आ गया ना। रिक्की शर्मा रिक्की शर्मा, रिक्की शर्मा, ठीक है रिक्की। तो मैम हाँ, आपकी कॉफी आप पी सकते हैं, कॉफी विद करण खान, उसी तरह ये कॉफी विद शिवानी। अच्छा आपने बना दिया सब कुछ, ठीक है, सही, गुड। लेकिन ये कोल्ड कॉफी लग रही मुझे ना, हॉट कॉफी है। आप भी हॉट हो? अच्छा एक्चुअली ये कि आप लगते नहीं वाकई कि आप तीन बच्चों की मम्मा हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर लेडी ये कर सकती है। ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ अपने 24 घंटे में से एक घंटा देना है सिर्फ और सिर्फ। एक्चुअली क्या, अभी हम जिस एनवायरमेंट में, मैं यहाँ पर भी आई हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि फिटनेस को बहुत ज्यादा लग्जरी बना दिया है, जबकि फिटनेस, मेरे पिताजी ने मुझे ये शिक्षा दी है और हम अपने बचपन से इन चीजों को देखते हुए आ रहे हैं कि फिटनेस लग्जरी नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको सिर्फ अपने इंद्रियों को काबू में करना है। अगर आप बचपन से ये सीख जाते हो, मैंने बचपन में सीखा। तो अभी आप जिम आपका पहले था या अभी आपने बनाया? 2021 में, जैसे मैंने आपको बताया, एक्चुअली मेरे फादर कोविड में हमें छोड़कर चले गए, कोविड के दौरान उन्हें कोविड हुआ था। तो उनके जाने के बाद मैं बहुत टूट गई और मुझे बहुत याद आती थी उनकी, तो उनकी एक एक बात याद आती। और सबसे ज़्यादा जो मेरे जहन में उनकी बात रही वो यही रही कि वो हमें सेहतमंद बना के रखना चाहते थे। और उससे मुझे ये समझ में आया कि वो हमारे जीवन के हर पड़ाव पर काम करता है। क्योंकि जैसे कि पहले मैं, मेरी शादी उस, इवन जब मेरे पापा हमें बचपन में लेकर जाते थे जबरदस्ती, उठा के उठो, कभी डंडा लेके खड़े हो जाते थे, कभी कैसे खड़े हो जाते थे कि नहीं चलो स्टेडियम चलना है, दौड़ लगानी है, तो मम्मी से रोते थे, यार मम्मी रोज हमें क्यों परेशान करते हैं, पापा प्लीज हमें मत लेकर जाओ। लेकिन आज जब मैं माँ बनी और मुझे वो चीज़ याद आई, तो मुझे मेरे पापा या मेरी मम्मी जो भी चीज़ें हमें बताते थे वो मुझे इतनी अच्छी लगी और मुझे लगा यार इससे अच्छी पेरेंटिंग नहीं हो सकती। हमें बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए। उस समय हम रोते थे, थोड़ा सा डांट भी खाते थे, बट वो बहुत अच्छा था। और ज़बरदस्ती अच्छा खाना खिलाना, नहीं हमें ये चॉकलेट खानी है, ये सब खाना है, वो सब भी होता था। तो एक्चुअली आपको ये क्रेज कहाँ से आया, मतलब कि लाइक वीडियो टाइप का, मतलब कि ऐसा लगता है कि एज आ एंकर हो या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा है? नहीं, मतलब कि ये क्या, ये आपको क्या? ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ बताऊँ, मैं सिर्फ एक माँ हूँ और एक स्वस्थ माँ हूँ, फिट माँ हूँ। मैं नहीं, आपका बिहेव टॉकिंग ना मतलब की है, और हर कोई जल्दी बंदा कैमरे के सामने नहीं बोल पाता, चाहे वो कैमरा कैसा भी हो, लेकिन आप इतना परफेक्ट बोल रहे हैं ना एकदम बिल्कुल, मतलब कि ये भी नहीं कि पहले पिक्स होता है, कभी बात करते हैं ये तो, और हमने कभी बात भी नहीं की, आप एकदम कैमरा पे वहाँ पे हमारा चंद्र था ऐसे। तो थैंक यू सो मच, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं सच बताऊँ, आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ नहीं है, सच्चाई है। एक्चुअली मैं जो चीज़ होती है मैं बोलता हूँ, और आप खूबसूरत भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, ठीक है, और लगती नहीं कि आप तीन बच्चों की माँ भी हैं। आपने बहुत अच्छा अपने आपको मेंटेन किया है, और शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा है कि भी एजुकेशन भी आपकी अच्छी होगी, जहाँ तक मेरा, मैंने एमबीए किया हुआ है। हाँ, बताया था ना अभी। हाँ, तो फाइनली ये कि कुल मिला के एक परफेक्ट पैकेज है, अच्छा खासा। मैं यही बताना चाह रही हूँ, जो भी आपने मेरे बारे में बताया कि हर एक लेडी ये कर सकती है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो देखिए ज्ञान तो उसके पास आ ही गया, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, जो मैंने किया है। नहीं तो कितनी पढ़ी लिखी लेडीज मैंने देखी है, आधे से ज्यादा जिस जगह पर, जिस एनवायरमेंट में वहाँ रह रही हूँ, ज्यादातर लोग पढ़ी लिखी लेडीज ही होती है, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम कोई होगा जो भाई नहीं पढ़ पाई किसी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से। बट उनका जो मॉरल डाउन होता है वो सिर्फ क्योंकि वो फिट नहीं होती, और उन्हें लगता है कि वो माँ बन गई हैं तो एकदम पीछे चली जाती हैं, ना किसी से मिलना, ना उस तरीके से ड्रेसअप करना। कॉफी साथ में? नहीं, इट्स ओके, मैं अभी आपके साथ, मुझे लग रहा है कि वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉफी तो मैं फिर पी लूंगी, इट्स ओके ओके। क्योंकि मेरा मेन विजन यही है, शायद आपके थ्रू मेरी बातें किसी तक पहुंचे, एक माँ तक पहुंचे, एक लेडी तक पहुंचे, जो क्योंकि मेरा मेन विजन यही है। एक्चुअली मेरा जो ये चैनल है, इसको मतलब कि जो मैं रियलिटी शो से जुड़ा हुआ हूँ, वो क्रू, वो टीम जरूर देखती है वहाँ की, मुंबई से, और उन्हें आपकी कुछ बातें अच्छी लगी या कुछ आप में लगा तो वो आपको सर्च करेंगे किसी शोज के लिए, रियलिटी शोज के लिए शायद आपको। एक्चुअली मैं, देखिए मैंने आपको बताया, मैं डाइटिशियन हूँ, सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ, फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैंने एप्स बनाए हुए हैं एक बच्चे के बाद, अभी नहीं है क्योंकि मैं तीन बच्चों की माँ हूँ, और अभी मेरा 5 से 6 किलो बढ़ा हुआ है, बट मैंने एप्स बनाए हुए हैं, मेरा बाइसेप्स है, मेरा ट्राइसेप्स है, अभी आप ये मेरा फोरआर्म भी देख सकते हैं, वर्ड टाइट है, मैं बाइसेप दिखा देती हूँ यहाँ पर, जब वीडियो बनी रही है तो ये देखिए है भाई, है मेरा तो
यार मैं नहीं दिखा रहा कोई। आई एम अ मदर ऑफ 3 किड्स और ये हर एक माँ कर सकती है, देख लो काफी स्ट्रांग हो आप। और मैंने अभी बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया है और एक नेशनल एथलीट हूँ मैं। मेरा जो रिकॉर्ड है 100 मीटर रन करने का इट्स 14 seconds 100 100 मीटर का अभी नेशनल्स खेल कर आई हूँ मैं। और मेरा ये कोई वो नहीं था। आज यहाँ पे क्या कर रहे थे आप? मैं बस एक्चुअली मेरा जिम है तो कल्ट स्पोर्ट्स ने मुझे बुलाया था। ओके। मैंने उनकी मशीनें ऑर्डर करी हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप प्लीज यहाँ पर आइए। तो बस मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी चीजों को। आपने मतलब कि मैंने ये चीज नोटिस की कि जो एक औरत में मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, तो चीजें होनी चाहिए मतलब कि आप में एक्स्ट्रा चीजें भरी हुई अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो किस्मत वाला बंदा है जो आपका है अभी फिलहाल मिस्टर योगेंद्र सिंह। हाँ मिस्टर योगेंद्र सिंह जो भी आप हैं, और आपकी वाइफ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्वीट है, ठीक है। और मैं तो ये बोलूंगा हर किसी को ऐसी वाइफ मिले, ठीक है। अभी एक कपल मिले थे मेरे को, ठीक है, उनका हस्बैंड भी मतलब कि अच्छा था, उनसे बात करने में तो मेरे को मिले थे। वो भी बॉडी उल्टी कुछ करते ही है, मैं यहाँ पे ना ऐसे माहौल में पहली बार आया हूँ मैं। ओके। और मेरे को इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं होती, मेरे को रियलिटी शो की ज्यादा है, ब्लॉग बनाने में इंटरव्यूज करने मेरे को इसमें ज्यादा वो रहता है, तो मेरा वो सब रहा। मैं इसीलिए मैं यही आपको बताना चाहती हूँ जो अभी आपने कहा ना कि इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। हाँ क्यों नहीं है नॉलेज हमारे इंडिया को इस फिटनेस इंडस्ट्री की, ये कितनी, हालांकि मेरे को होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि एक बेसिक लाइफ है, आप क्यों अपनी इंद्रियों पे इतना ज्यादा हावी हो, मतलब टेस्ट बस पे इतना ज्यादा, मतलब बस टेस्टी खाना खाना है, टेस्टी खाना खाना है। आपको खाना है वो जो आपकी बॉडी को हील करे, जो आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाए। अब ना अगर आप सोचो कि आप सिर्फ पतले हो तो आपकी बॉडी में यहाँ पर मसल नहीं होगा, कहीं पे भी मसल नहीं होगा, एकदम पतले लूज ये हड्डियाँ दिखेंगी। आपको पतले नहीं होना है, जैसे बहुत सी लेडीज मेरे जिम में आती है प्लीज मेरा टमी कम हो जाए या मेरे हाथ कम हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये एक साइकिल होता है। आपको पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप जब भी घर बनाते हैं, जब आप घर बनाते हैं तो क्या उसकी नींव किसी घटिया सीमेंट से डालते हैं? बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप सोचेंगे मैं कौन सा दुनिया का सबसे अच्छा सीमेंट लेकर आऊं जो मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बोलेगी मेरे परदादा ने उन दादा ने घर बनाया था। सबसे अच्छा सीमेंट डालेंगे नींव मजबूत करने के लिए। ऐसे ही जब एक माँ खाना खाती है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे वो खाना खाना है जिससे उसकी और उसके बच्चे की नींव स्ट्रांग हो, और जब वो नींव स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली वो बच्चा भी स्ट्रांग होगा और वो माँ भी स्ट्रांग होगी। और जो माँ होती है माँ जो है ना ये काफी स्ट्रांग है यार कसम से। और मैं बता दूं लेडीज को कि जब वो एक बच्चा पैदा करती हैं तो आप समझ लो कि आप एक इंसान को पैदा करो अपने अंदर से निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आप उतने खाली हो गए हो। अच्छा बच्चे आपके नॉर्मल हैं या फिर वो सिजेरियन कुछ बोलते हैं ऐसा कुछ? जो फर्स्ट मेरा था वो सिजेरियन था, बट बाद में फिर मैं क्योंकि मैं जान गई सारी चीजों को तो फिर नॉर्मल था। नॉर्मल तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ इनको सबको, जितनी भी लेडीज देख रही है आप नॉर्मली ज्यादा कोशिश करेंगी तो अच्छा रहेगा। बट ऐसा मैं सच बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस दोनों का रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिजेरियन सेक्शन भी जो होता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि लोगों को लगता है नॉर्मल का मतलब क्या है, क्या होता है नॉर्मल? नॉर्मल बोले तो डाया हुआ है। नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल का मतलब बताओ आप मुझे, मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं पूछ रही। अच्छा अच्छा नॉर्मल बताओ, नॉर्मल मतलब नॉर्मल? नॉर्मल जैसे कि वैसे जैसे मैं पैदा हुआ बच्चे पे नहीं जाओ तो मुझे सिर्फ नॉर्मल का मतलब बताओ। नॉर्मल वाटर, नॉर्मल कॉफी, नॉर्मल सभी का अलग अलग होता है ना, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल है जैसा सारा समाज कर रहा है वो नॉर्मल है। अच्छा ठीक है मैं डिलीवरी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बताऊंगी। तो जब भी कोई औरत नॉर्मल डिलीवरी करती है तो हमारे समाज में क्या सोचा जाता है, अरे नॉर्मल डिलीवरी हुई है ये सही है। हाँ वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर किसी को मेडिकल कंडीशन और उसका सी सेक्शन हुआ है तो वो उससे ज्यादा भयंकर है, क्योंकि नॉर्मल में तो आपको इतना पेन होता है जैसे आपकी 360 हड्डियां टूटी हो, इवन इससे ज्यादा ऐसा पेन होगा। सिजेरियन में आपको पेन तो नहीं होगा, बट आपको जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जो आपकी 7 लेयर पेट की कटेंगी वो, उसके बाद आपको अपने उस पेट को पकड़ के चलना पड़ेगा वो। आपके साथ सच कह रहा हूं कि मतलब कि एक जो लेडीज के ऊपर ना एक लड़की और एक औरत पे जो लाइफ है, मतलब कि आप पे पूरा उस टॉपिक पे बात की जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि आपका जो वीडियो ना कम से कम 2 घंटे चलेगा जहां तक मेरा मानना ना क्योंकि आपको हर चीज की नॉलेज है, आप वो ना चीज बारीकी से बता रहे हैं कि ये 7 लेयर होती है, ये कुछ होता है ना। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे जैसे बहुत सी लेडीज का, मैं आपके थ्रू मैं ये बताना ही चाहती हूँ, जैसे बहुत सारी औरतों का ये क्वेश्चन होता है
यार हम जिम जाएंगे तो क्या हम आदमियों की तरह ना बन जाए? आप नहीं बन सकते, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन आदमियों के अंदर होता है, औरतों के अंदर एस्ट्रोजन होता है। ये एक एंजाइम होता है, एक केमिकल होता है जो आदमियों में पाया जाता है, औरतों में नहीं होता। और जो औरतें मेनली हो जाती हैं जिम करके, वो इंजेक्ट करती हैं, स्टेरॉइड्स लेती है। और स्टेरॉइड्स लेना उनके लिए भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ कॉम्पिटिशन लड़ रही होंगी। वो कोई कॉम्पिटिशन, जैसे हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ कॉम्पिटिशन लड़ा जा रहा है। एक आप सोचो इंडिया और कितने सारे लोग, अलग अलग के लोग लड़ रहे हैं। अब हम चाहेंगे ना हमारे इंडिया से जो बंदा खड़ा है वो जीते। अब वहाँ का जो लेवल सेट है, चाहे वह स्टेरॉइड लिए जाए या जो भी प्रैक्टिस की जाए वो करेंगे। हम चाहेंगे हमारे इंडिया के जीते, बट आप एक घरेलू लाइफ में फिट तो हो सकते हो। अब एब्स का मतलब क्या है? एब्स का मतलब लोग सोचते हैं वो जो 6 पैक दिखाई देते हैं वो, नहीं। एब्स का मतलब आपका एब्डोमिनल मसल, आपका पेट का मसल, ये स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बाइसेप मसल, ये होता है बाइसेप, ये होता है फोर आर्म। और नॉर्मल पहले जब लेडीज वो काम घरेलू करती थी, मच्छा निकाल रही है, फावड़ा चला रही है या चौका कर रही है, उन सब में हमारे ये सारी चीजें यूज होती थी। अब नहीं हो रही है। तो जिम में जब आप जाते हो, जब आप क्रॉस ट्रेनर यूज करते हो, तो आप ये वो रेलगाड़ी वाला पहला जो होता था वही तो कर रहे हो। या मक्खन निकाल रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो? जो क्रॉस ट्रेनर में जिम में जाते हो और ऐसे ऐसे करते हैं, वो यही तो है, मक्खन निकाल रहे हो आप उसमें जाके। तो औरतों को समझना पड़ेगा, कोई भी औरत कभी आदमी जैसी नहीं हो सकती जिम में जाकर। आप वहां जाकर अपने पर्टिकुलर मसल पर हिट कर रहे हो और वो वर्कआउट कर रहे हो। जब हम अपने शरीर पर प्रेशर डालते हैं ना वर्कआउट का, तभी वो बदलता है। नहीं तो आराम तो सबको पसंद है, एक दिन खत्म तो सबको होना है, नष्ट सबको होना है। ठीक है, लेटे लेटे आराम से खत्म हो जाओ, लेकिन संघर्ष करके और एक स्ट्रॉन्ग। अब देखो ना, अब जो अगर मैं कहूँ कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, तो एक आम 3 बच्चों की माँ का चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, वो सब खाने से और वर्कआउट से होता है। और एक और बात बता देती हूँ, 24 घंटे में से 1 घंटा वर्कआउट, बाकी के 23 घंटा क्या खाना है वो ध्यान रखेंगे। लेकिन वो ध्यान जो 23 आवर्स है ना, वो चलते इस 1 घंटे से है। क्योंकि जब आप 1 घंटा वर्कआउट करते हो, आपकी मसल 23 घंटे आपको यही बताती बोलती रहेगी, अरे यार नहीं आज जिम गए हो, कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं। ये ना दोनों चीजें वाइस वर्सा चलती है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने इंडिया में अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी मेमोरी देंगे जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी स्ट्रांग हो। जैसे कि मैं अपने पापा का एग्जांपल ले रही हूँ, तो उन्होंने मुझे अपना एग्जांपल सेट किया, तभी तो मैंने, उन्होंने कुछ बेंचमार्क सेट किया, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अब मैं अपने बच्चों के लिए कोई बेंचमार्क सेट कर रही हूँ। तो ये जो पार्टीज और ये सारी चीजें ना, तब अच्छी लगती है जब आप फिट हो। जैसे बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, जैसे हस्बैंड वाइफ आ गए, अरे यार खाओ पियो मौज करो, 5 साल गिनती के 5 साल खाओ पियो मौज करो, वो खत्म 5 साल बाद। किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम, जितनी जिसको जो प्रॉब्लम होना वो सब गिन लो। और अगर आप जीवन भर डिसिप्लिन में और लाइफस्टाइल को स्ट्रॉन्ग बनाकर रहेंगे, कभी भी मौज करो। जैसे अब घर में शादी है, मौज करो। अब मैं यहाँ आई हुई हूँ, मौज करो। लोगों की तारीफें बटोरो, जैसे कि आप कर रहे हो मेरी। नहीं, आप वाकई खूबसूरत हैं, और मैं बोलूँगा हर किसी को ऐसा होना चाहिए और अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, फिट रहना चाहिए। हालांकि मैं अपने आप को फिट नहीं कर पाता, मतलब कि मैं वर्कआउट करता ही नहीं, मैं सच बताता हूँ आपको। आप जो आपका काम है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप, आपकी बॉडी और आपके चेहरे को देख के मुझे लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में। तो शायद आपके लिए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि आप अलग से 1 घंटा निकालिए। मुझे लग रहा है कि आप रात में सोते भी नहीं हो आपके, आपके काम के चक्कर में, है ना। तो मैं वो आपके चेहरे को देख कर ये जान पा रही हूँ। तो लेकिन अगर आपको फिर भी स्ट्रांग होना है, तो 1 घंटा आप योगा करिए, क्योंकि आपके बॉडी स्ट्रक्चर उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप योगा करेंगे तो वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन टाइम मिला तो। एक्चुअली पता क्या होता है कि जब काम में इतना लग जाते हैं कि समझ में नहीं आता कुछ भी कि क्या किया जाए क्या नहीं। काम हम किसके लिए कर रहे हैं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने भी जब शुरुआत की थी इसकी तो यही था कि यार, और पता है जब आप इतना काम करेंगे ना, अंत में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और जब आप शरीर से कंट्रोल में होंगे, इंद्रियों में कंट्रोल में होंगे, तो आपको इतनी अच्छी सेटिस्फेक्शन होगा कि आप कुछ नहीं भी कर रहे होंगे तो मजे आ रहे होंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहो तो काम कर सकते हो, जब चाहो तो बैठ सकते हो। तो यार ये मेरे को भी ध्यान देना पड़ेगा अपने आप पे, एक्चुअली बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को ना एक तो जिम मेरे को बोला था और एक इंग्लिश मेरे लिए मेरे को बोला था, दो चीज। अरे नहीं इंग्लिश छोड़ो, कुछ नहीं होता इंग्लिश, अभी वो रशियन मिल गई थी यहाँ पे मैंने तो रशियन जानती है, इंग्लिश तो जानती नहीं है वो। हाँ सही कह रहे हैं, वो जानती नहीं इंग्लिश, कुछ नहीं जानती वो, इवन हिंदी में ही बोलेगी वो। अभी मिली थी मैंने उसका, मैं कर रहा था तो मेरे को भी नहीं आता उसको इंग्लिश थोड़ा बहुत, तो ऐसा था तो फिर मैंने सोचा कि यार बेसिक तो थोड़ी बहुत सबको आती है यार, इतना वो काफी है। नहीं हो पाया दो मिनट में ही काम हो गया बस, बस, बस बात करते करते ही तो नहीं समझ में आया हम दोनों की, वो नहीं हो पाई तो फिर मैंने सोचा कि अब चलते हैं, तो फिर मैं निकल गया। निकलते निकलते और वीडियो बनाते बनाते ही काफी सारी लड़कियां थी वहाँ पे, और मैंने सोचा चलो उनके साथ थोड़ी वीडियो बना लेते हैं, तो अगर उनके साथ बनाया तो आप मिले ना, यही बात है ना, लोहे को लोहा काटता है ना, सच्चा ही बात है। अगर मैं लड़कों के साथ खड़ा तो शायद आप कंफर्टेबल फील नहीं करती वहाँ पे, नहीं भी शायद, है ना, बिल्कुल। तो ये होता रहता है मतलब कि, और मेरा तो शक्ल ही ऐसी हुलिया, कहीं पे जाता हूँ ना जल्दी से ये देखते हैं यार बंदा कौन है, ठीक है, इतना वो नहीं होता। आज इस माहौल में था तो तब आपने बात कर ली, तो ये सब चलता रहता है और काफी अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है। जब आइडेंटिटी जानते हैं ना तो उसके बाद तो हर लड़का लड़की बात करने की कोशिश करता है कि हम मिले, ये करें। मैं अभी नहीं जान पाई हूँ आपकी आइडेंटिटी क्या है। नहीं नहीं आप, आपने तो ऐसे ही यहाँ पे था ना, यहाँ पे जनरली देखा कि आप वीडियो बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बंदा ठीक ठाक ही आएगा यहाँ पे, जो ऐसे बात कर रहे हैं वहाँ पे तो सभी को समझ में आता है कि यार हाँ जेन्युइन पर्सनैलिटी है, तो उस हिसाब से भी फिर आपने यहाँ पे देखा। अगर मैं आपको रोड पे बोलता है, बाहर बोलता मैम आपके साथ मेरा वीडियो बनाना, कौन है, क्या करता है, क्या नहीं, मैं बिल्कुल पूछती ना, ये चीजें होती तो। लेकिन अभी मैंने पता क्या किया, मैं अभी वीडियो बना रहा था, मैं सबसे ना ऐसे रैंडमली बात कर रहा था ऐसे, ठीक है, लेकिन जो आप निकल के आए ना कसम से यूं का यूं अलग ही है। मैं ना ये इस वीडियो को डायरेक्टली डालूंगा पूरे का पूरा, जो 6 मिनट का वीडियो किसी और के साथ है, बाकी अभी 30 मिनट का वीडियो हो गया, मतलब कि 24 या 25 मिनट का आपके साथ है। तो आपके मन में कुछ और है तो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, क्योंकि YouTube भी खुश होगा मेरा कि यार तू लॉन्ग वीडियो डाली है, उसको ना बहुत वीडियो लंबी लंबी वीडियो चाहिए होती है। आप प्लीज़ मुझसे पूछिए कुछ तो मैं ज़रूर बोलूँगी। आपको क्या लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों के मन में क्या सवाल रहते हैं एक आम इंसान के अंदर? मेरे लिए तो ये कि यार उठना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, वो पता नहीं मैं जिम जाके क्यों जाऊँ वगैरह वगैरह, ठीक है, तो पता नहीं अलग अलग तरीके चलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में बोलता है कि दिल अगर फिट रहना तो आप जाओ, ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना आपको, नहीं ऐसा नहीं, अगर आपको शरीर को सही रखना अच्छा रखना है तो टाइम निकालना चाहिए। सबसे पहले एक आम जनता जो हमारी इंडिया की जनता है अपने माइंड से प्लीज वो जो एक तो जिम वालों को ना मार्केटिंग करनी नहीं आती, अब मैं उन्हें बता दूंगी उन्हें क्या करना है मार्केटिंग, उन्हें कभी भी वो अपने पोस्टरों पे ना उन बॉडी बिल्डरों की फोटो नहीं लगानी है जिनके ऐसे ऐसे करके एप्स निकले हों। अब हमारी आम जनता 95% जनता हमारे इंडिया की ऐसी नहीं है, और ना वो ऐसा बनना चाहती है, ना वो ऐसा दिखना चाहती है, राइट सही बात, वो सिर्फ ऐसा रहना चाहती है। इसी बात पे मेरे को याद है, मेरा एक दोस्त है वो डांसर है, ठीक है, वो डांस एकेडमी चलाता गुरु नाम उसका, तो मैंने बोला कि यार डांस कंपटीशन कराते हैं, तो कह रहा मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो नॉर्मली उनको बस इंजॉय करना होता है और फिट रहना था थोड़ा सा, वो इसलिए आते हैं, तेरे को डांसर ढूंढना है तो गड़ी के डांसर ढूंढ। तो वो बात आपने बोली अभी सही, कुछ बंदों को सिर्फ फिट रहने से मतलब होता है, न कि ऐसे बनाने से, तो ये ज्यादातर यही होता है। 95% होता है, वो तो कुछ ही, इवन मैं कितने, मैं बहुत रिच बैकग्राउंड से भी अगर मैं बात करूँ तो वो लोग भी जिम में जाते हैं तो ज्यादातर वो शो ऑफ करने जाते हैं, हमने तो भैया साल भर की मेंबरशिप ले रखी है, सेल्फी ली दो चार जिम के अच्छे अच्छे कोनों में। नहीं लड़के भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़के भी बहुत सेल्फी देखता हूं जिम की, बस मैं तो जिम की ओनर हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, ओके, और देखा मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, देखो बहुत ही, और वो गलती किसकी है, गलती इस इंडस्ट्री की है जिन्होंने फिटनेस को ज्यादा लग्जरी कर दिया है। फिटनेस इज नॉट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। एक चीज ये देखी कि जो अच्छे जिनको नॉलेज है और अच्छा जो काम करते हैं उनके इतने फॉलोअर नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है वो इस तरह का वीडियो डालते हैं जिम के अंदर जाके, है ना, उनके फॉलोअर ज्यादा है और उनको बुलाया भी जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब अब आप बताओ जो लोग अपने दूसरे तरीके से या गलत तरीके से फिटनेस में अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं और लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, उनको देख कर देख रहे हैं बस, लेकिन उनको वो वैसे फॉलो नहीं कर सकते, ना वो खुद वैसा कर सकते, ना वो कुछ अच्छी चीज उसमें दिखा रहे हैं, वही बंदे उन्हीं को बुला भी रहे हैं यहाँ पे इवेंट्स में, मैंने कई जगह नोटिस किया ना, तो मतलब कि लड़कियों तो मैंने देखा ज्यादा पीछे से वो डालते हैं वीडियो, ठीक है, पीछे से वीडियो डाल रहे हैं, आगे से डाल रहे हैं, तो वही करते हैं। देखो ना मैं वही बता रही हूँ कि हमारे इंडिया की मुश्किल से वो 5% जनता है या कुछ नए बच्चे जो इन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि इस समय हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं, हम मैं ये
ये नहीं कहूंगी कल को हमारा ही बच्चा हो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाए कि हाँ मम्मा ये तो आजकल चल रहा है, बट ये मेरा कर्तव्य बनता है एटलीस्ट उसकी मम्मा उसे फिट होकर तो दिखाए, वो साइकिल चला रही है तो मैं भी साइकिल चलाऊंगा उसके साथ। तो एज अ मदर एज अ पेरेंट हमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम आज जिस जमाने में रह रहे हैं अगर हम अप टू डेट नहीं रहे हमारे माँ बाप उससे भी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की बात करूँ वो बहुत आगे थे हमसे, मतलब मुझे याद है कि जब मैं मेरे पापा के साथ रेस करती थी तो मेरे पापा मुझसे जीत जाते थे, अभी तक की बात है। और मेरे पापा का अक्सर जब हम मिलते थे शादी के बाद भी तो एक वो होता था कि जैसे पापा को मैं ऐसे पीछे से पकड़ लिया और पकड़ के मैं ऐसे बैठ पैसे करके गिरा देती थी कि किसमें दम ज्यादा है, हाँ किसमें दम ज्यादा है। तो मेरे पापा कहते थे भाई तूने तो बड़ा कमाल कर रखा है, क्योंकि हमारा एक्चुअली हमारा इवेंट का काम है मेरे पापा का, हमारे फार्म हाउसेज है शादियाँ वगैरह जो होती है तो वहाँ पे जब वो केटरिंग वाले आते हैं तो वो गाजियाबाद के काफी अच्छे बिजनेसमैनों में से आते हैं मेरे पापा, पांच छह फार्म हाउस है अपने अंडर में। तो सब्जियां आती हैं जैसे जब सायों का टाइम चलता है उसकी साइड में आपके बताएं कहां पे टच में है, MS 24 पे है, तनुश्री फार्म हाउस है, ग्रैंड पैटल है। ओके ओके ठीक है, मतलब कि अभी मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी है तो वो पूछ रहा था मेरे से, तो मैं आपसे बात करूंगा उस टॉपिक पे। डेफिनेटली काफी अच्छे, मेरा छोटा भाई देख रहा है वो मेरे पापा के बाद और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ की शादी के टाइम पे जब साए चलते हैं शादी के टाइम पे तो उन्हें टेस्ट कराने लाते हैं कैटरिंग वाले, सर टेस्ट करिए कैसा है, क्योंकि हमें आगे वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना है। तो उस टाइम में पापा थोड़े से पेट निकल आता था, लेकिन मेरे पापा को ये रहता था नहीं मुझे कम करना है, और वो मुझे ये कहते थे यार देखियो फिटनेस में तो मैं भी हूँ, मतलब पापा अपने आप को बोलते थे कि मैं भी अपना ध्यान रखूँ, और इसने तो कमाल ही कर दिया, इसने पेट ही गायब कर दिया अपना जब मैं एक बच्चे के बाद घर पर जाया करती थी। तो पापा मुझसे ये बोलते थे और बड़ी तारीफ करते थे। तो 2020 में कोविड होने से पहले मैंने पापा को जिम ज्वाइन कराया था, और मेरा सपना था कि मैं अपने पापा के भी एब्स बनवाऊंगी और एकदम स्ट्रॉन्ग करूंगी उनको। एब्स का मतलब होता है एब्डोमिनल मसल को टाइट करना, और ये नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये कौन सी हॉट कॉफी थी, कोल्ड थी? ये हॉट कॉफी थी ना, ये कोल्ड में बदल गई। आपको पीनी है? आपके लिए बताऊं, मुझे लगता है कि अभी म्यूजिक बज रहा है क्या? नहीं, चलो आपके साथ पीते हैं कॉफी। नहीं मैं मंगवा देती हूँ। चलो excuse me, ये कहीं बंद तो नहीं कर रहे मुझे लग रहा है। एक्चुअली ना excuse me, कॉफी, एक कॉफी मिल जाएगी, एक कॉफी। अरे वाह क्या बात है। एक्चुअली ये कि मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, और मेरा ये ज़्यादातर मेरे को मज़ा आता है इसमें वीडियो बनाने में, वो करने में, और रियलिटी शो से मैं ज़्यादा। आपका क्या बैकग्राउंड है वैसे? मेरा बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है एक्चुअली, मैं 10th में फेल हो गया था, देन उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, मेरे को एंकर बनना था, होस्ट, एजुकेशन मेरी थी नहीं, नॉलेज मेरे को कुछ था नहीं पता, और ये भी नहीं पता मेरे को एंकर बनना है, ठीक है, लेकिन मैं टीवी पे देखता था, चित्र आ रहा था वहाँ पे, पहले दूरदर्शन चलता था उस टाइम पे, तो मैं दिल्ली आ गया, तो मैंने ऑडिशन ट्राई किए, तो वहाँ पे बोलते थे तेरे क्या करना है क्या बनना है ये बता, तो मुझे पता नहीं था मेरा बनना क्या, लेकिन मैं जाता वहाँ पे जरूर था। इंग्लिश में फॉर्म होता था मेरे को, वो भी सबमिट नहीं कर पाता था मैं, ठीक है, तो मेरे को धक्के मार कैसे निकाल लेते थे, ऐसे में जाता रहा घूमता रहा। तो फिर साल हो गए यहाँ पर आप? मेरे को 14 साल इसमें हो गया चक्कर काटते काटते, लेकिन उसके बाद में 5 या 6 साल बाद मेरे को एक चैनल ने बोला कि तू क्या चाहता है ये बता, मैं कह रहा जो तुम चाहते हो वही, मेरा कुछ नहीं आता। हाँ तो उन्होंने मेरे को आदि मानव बना दिया वहाँ पे कलर्स पे। ओ अच्छा। हाँ तो फिर मैं बन गया वहाँ पे जंगली इंसान बोलते ना। हाँ। पहले मैं क्लीन शेप होती थी, मैं 2013 की बात है वो, तो अभी 2024 चल रहा है, 10-11 साल हो गए। तो फिर उसके बाद में ऐसे वो मैंने किया वहाँ पे, तो कलर्स पे था वो शो, तो काफ़ी उसकी TRP बढ़ी उससे, तो न्यूज़ ने काफ़ी दिखाया कि कैसे कैसे इंसान आते हैं, कोई न्यूज़ वाले ने दिखाया कि ये प्रकृति के लिए कर रहे थे, कोई किसने दिखाया ये बेवकूफ थे, किसी ने कहा कि ये जज को ऐसा बोल गए। आपने क्या किया था वहाँ पे? एक अनिल सिंह का गाना था, लुंगी डांस कर रहे थे, उसके ऊपर एक गंदा और गड़बड़ किया होगा आपने उसमें। नहीं उसमें स्केट्स पहने हुए थे, मतलब गलत कुछ भी नहीं था, लेकिन वो चीज़ अच्छा था, लेकिन वेरी फनी एक्ट था, फनी एक्ट था। ओके। फिर उसके बाद में मेरे को डांसर डांस नहीं बोला, और फिर इंडियन आइडल उसने बोला मेरे को। ओके। अब मेरे को ये कि भगवान की जैसे मेरे को सब बोलते हैं कि रिकी आजा, तो फिर मैं बोलता हूँ सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहते हैं कि हमें पता है क्या क्या नहीं, तो फिर वो पैसा भी देते हैं,
और दे दीजिए कॉफी, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं करता हूँ। तो उसमें क्या था कि अब अच्छा खासा है रियलिटी शो बैक टू बैक मिलते हैं, अब मैं वो रियलिटी शो करता हूँ। और अच्छा कि उस फील्ड में मेरे को ना एक चीज़ ये भी खुशी मिली कि अच्छा हुआ मेरी एजुकेशन नहीं थी, अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना तो शायद मैं वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा वो होता, मेरे को शर्म आती है चीज़ करने में, कॉमेडी करने में। मैं भारतीय का कॉम्पिटेटर बन गया वहाँ पे, तो ऐसे चीज़ें चलती रही और काफ़ी मतलब कि वहाँ तक पहुँचा। अभी ये कि जितने भी सेलिब्रिटी बड़े बड़े वो अपने अच्छे से जानते हैं, अच्छा ठीक ठाक है मतलब कि। तो ये मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशन के मामले में, कभी नहीं रहा ठीक है। तो आप यूट्यूब पे ये वीडियोस डालते हैं? हाँ यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं आपके? मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बोलते हैं मैम। हाँ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मेरे 19,700। अच्छा। और मैं मेरे यूट्यूब पे ना अच्छे से अच्छा इंसान के साथ, घटिया से घटिया इंसान के साथ मैं सभी के साथ वीडियो डालता हूँ। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं होता उनकी लाइफ में वो क्या कर रहा है क्या नहीं, मुझे ये पता ये इंसान अच्छा है तो इनके साथ अच्छा बात करके वीडियो डालें ठीक है, दूसरा गलत है तो उसको उस हिसाब से डालें। मेरी पर्सनैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मम्मी पापा मेरे को समझ चुके हैं कि ये करेगा अपना काम ही करेगा ठीक है, ऐसे करता रहेगा तो ठीक है। मेरे ख्याल से तो आपके लिए अब एक अच्छा युग आ गया है जिसमें ये सोशल मीडिया से बड़े ईजीली आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। हम उस जमाने में, उस जमाने में एक्चुअली क्या था कि मैं यूट्यूब पर एक टाइम था एटीट्यूड इतना आ गया था कि मैं यूट्यूब वालों से बात ही नहीं करता था। क्या यूट्यूबर से मैं बात ही नहीं करता था उस टाइम पे, मतलब कि सोशल मीडिया भी ज़्यादा हुआ ना जियो के आने के बाद में। हाँ जी हाँ जी। तो कोई मेरे को बोलता था ना कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं उसको मना कर देता भाई मेरे को नहीं करना तेरे साथ, मेरे को चैनल या तो आज तक हो या इंडिया टीवी हो, मतलब मेरे को ये दिखता था। अच्छा अरे मेरे इंटरव्यू होते थे। और आज देखो जरा यूट्यूब वाले को, अगर आप तब ये सारी चीजें जान जाते, इसकी ताकत जान जाते। मेरे को पता नहीं था, सच बताऊं आपको मेरे को एहसास नहीं था कि ये चीज़। मैं बताऊं अच्छा यहाँ पर गलत हुआ कि आप पढ़े नहीं, मतलब आप नहीं क्या बोलेंगे उसको कि आप नहीं पढ़े वो गलत हुआ, आप पढ़ते तो आपको इसकी नॉलेज होती। नॉलेज होती लेकिन मैंने दिमाग नहीं लगाया सर, मुझे ऐसा लगता कि वो एटीट्यूड आ गया था, पता नहीं क्या था मेरे को नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि इसकी मार्केट सोशल मीडिया की इतनी जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, तो वो सब पता ही नहीं था। हमें तो सिर्फ यही दिखता था कि टीवी है, इससे बढ़ के कोई नहीं है, या तो मूवी में मूवी मिलनी नहीं है। अब तो मूवी वाले सारे एक्टर देख लो, कोई देख लो, सब लोग बुलाते सब यहीं पे सोशल मीडिया। फिर मैंने ना इस पर काम शुरू किया ठीक है, इसमें फिर उसके बाद एक दिक्कत और आ गई थी मुझे, मेरा पेमेंट रुक गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ऐसे चलता रहा, अभी गाना बजाया ना कॉपीराइट आएगा मेरे को, तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। म्यूजिक है ना।